गुड मॉर्निंग। मैं तो यहाँ पे आपको धरती के बारे में अपडेट आया था, क्योंकि कल हमने इंस्टाग्राम पे तो दे दिया था, पर फेसबुक पे मैं लाइव नहीं कर पाया था, इकट्ठे ही हर जगह करने नहीं देते। तो अभी मैंने सुबह एक वीडियो डाला, एक्चुअली हम सुबह डॉग वॉक्स पे जाते हैं, तो वहाँ रास्ते में हनुमान मंदिर है, मंगलवार था, मैं रुका वहाँ पे तो एक बछड़ा दिखा, उसका वीडियो डाला मैंने, तो उस पर लोगों ने लिखा जन्माष्टमी के बारे में, तो मुझे पता लगा कि आज जन्माष्टमी है, नहीं तो यहाँ सारे दिन एक जैसे बराबर ही रखते हैं लगते हैं। तो खैर, आपको जन्माष्टमी की शुभकामनाएं, और हम तो जैसे जन्माष्टमी ऐसे ही बना रहे हैं गौ सेवा करके, जैसे हम रोज करते हैं, मतलब गौ सेवा वैसे करते तो हम जीव सेवा हैं, कोई भी जीव हो। कल तो हमारे यहाँ एक लड़की भी आई है घर से मार खा के, हमने तो उसको भी रख लिया है। हम तो कहते हैं कि भाई गाय हो, कुत्ता हो, लड़की हो, उसका पति भी मार खा के आता, हम तो उसको भी रख लेते हैं, हमारा तो काम ही यही है जिसको पंडित जी का लेकिन कुछ कहना है इस बारे में। हाँ जी बताएं दिनेश, आपके पास कोई जोक था बता दो। अरे कुछ नहीं है, सब सब लोग हंस लेंगे। अच्छा, ये रोज खा के आता है तो क्या बीबी अपनी चलो मार लेगी, तो पति उसका पति को मार रही है। और क्या, ठीक है। तो दिनेश के अनुसार वो कई बार पिट के आता है, जब ज्यादा हो जाएगा, आपको पता है हमारा घर आपके लिए खुला है। तो ये है ना, ये हॉइस्ट ला रहे हैं, सॉरी मैं पीछे होता हूँ ताकि आपको दिखे, वीडियो हो सकता है थोड़ा आगे पीछे हो जाए क्योंकि नेटवर्क इस क्षेत्र में कम आता है। तो अब हमने कल जो है, कल करीब 1 बजे के करीब धरती के बारे में वीडियो डाला था, बताते हुए कि ये कैसे आई है, क्यों आई है, इसकी क्या हालत है। और अब जो अच्छी बात हो रही है वो ये हो रही है, परसों शाम से इसने अपने पैरों पे वजन लेना शुरू कर दिया है। थैंक यू आप जो लोग हमें हैप्पी जन्माष्टमी विश कर रहे हैं। तो अब ये जो लोग हैं ये इसको पूरा नीचे करेंगे, फिर ये जो स्ट्रेचर है इसमें हुक करेंगे, फिर इसको उठाएंगे। मैं तब तक आपको बाकियों से मिलवा देता हूँ, इनको तो नीचे करने में ही थोड़ा टाइम लगेगा। साहिल तू नाम बता रहा था मुझे सबके, इसका कोलगेट, ये कोलगेट है, कोलगेट का दांत टूटा हुआ था और इसके दो पैरों में चोट है, रिकवरी नॉर्मल, इसकी जो सूजन हो रखी है मुंह पे साहिल, इसीलिए दांत की वजह से, ये हीमोटोमा हो गया, हीमोटोमा हो गया मतलब मुझे खुद नहीं पता हीमोटोमा क्या होता है, तो अगर आप इच्छुक है तो गूगल कर लीजिएगा, बाकी साहिल बता देता है। हड्डी क्या, हड्डी बढ़ गई इसकी, इसकी हड्डी बढ़ गई है, कह रहे हैं डीवर्मिंग, डीवर्मिंग से हड्डी कैसे फिक्स होगी, ये जो है वो बॉम इन्फेक्शन है, आजकल जो स्नेल चल रही है ना, अच्छा, उसकी वजह से होता है ये, इसका ओडिमा हो गया, मतलब अभी हार्ड है, उसका इन्फेक्शन हुआ है और बाद में इसको थोड़ा नर्म हो जाएगा, पर अब जब हम इसकी डिबॉर्मिंग करेंगे तो ये पूरी ठीक हो जाएगी। ओके, तो आपको अमित की बात समझ में आ गई होगी, मैं प्रिटेंड करूंगा कि हाँ हाँ मुझे भी आ गई है। हमारे डॉक्टर साहब जो है इस समय थोड़ा क्वारंटीन में अटक गए हैं, क्योंकि चेयरमैन साहब जिनके साथ वो होते हैं उनके लड़के को कोविड पॉजिटिव निकला है, और अब जब तक टेस्ट नहीं आ जाता तब तक डॉक्टर अंकित फिर से नदारद। देवयानी क्या, देवयानी, देवयानी मैंने तो, ये किसने रखा इसका नाम, अच्छा मैं नहीं मिला इससे, इसको फ्रंट लेग पे फ्रैक्चर है, इसका नाम देवयानी है। ओके, ये लोग अब वापस धरती पे चलते हैं, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अनिल जी प्रॉपर यूनिफॉर्म, हाँ कर सकते हैं हम यूनिफॉर्म, एक्चुअली ठीक कह रहे हैं आप। अब ये है क्या, सब कुछ जैसे हम भाग दौड़ में करते रहते हैं, कभी ध्यान नहीं देते, पर हाँ यूनिफॉर्म हो जानी चाहिए। तुम लोग यूनिफॉर्म पहनना चाहोगे, ठीक है जी, पहले जब ये आज साहिल हाँ हाँ कर रहा है, जब हमने शुरू में इनसे यूनिफॉर्म का पूछा था तब इन्हें था कि नहीं हम अपनी जीन टी शर्ट पहन के आना चाहते हैं। विभु हाँ बिल्कुल, आप गिटार बजाइए ना, आप कब ज्वाइन करेंगे हमारे साथ, आप लाइव पे आइएगा, आप मैसेज वो भेजिए, एक लाइव पे तरीका होता है ना कि वांट्स टू ज्वाइन। तो खैर ये देखिए, अब ये क्रूशियल मोमेंट है, ये इसको ऊपर कर रहा है, अब ये देखना है कि आज भी अपने पैर पे वेट ले रही है नहीं। इसका खाना पीना पहले से बेटर हुआ है क्या,
तो इसका खाना पीना पहले से बेटर हुआ है, लेकिन फिर भी इसको सुबह वो एनएस की एनएस नहीं एनएस प्लस डीएनएस की बोतलें चढ़ रही हैं। कितनी चढ़ी है आज बोतलें? आठ बोतलें चढ़ी हैं। और अब ये राधा ले आई है अलसी का तेल, फिर इसकी अब ये तीन लोग थोड़ी देर मसाज करेंगे। राधा घर में भी होती है मसाज? किसकी? जब सास ससुर आते हैं उनकी। पति देव की? वो तो पति तो इसकी करते हैं। इसे अपनी तरह समझते हैं क्या बकरे? ये तू कैमरे में थी अभी राधा, तुम अच्छा। मेरी आप लोगों से दो रिक्वेस्ट हैं बहुत। एक तो इस समय लाइव में आपको नीचे नोटिफिकेशन आ रही होगी कि भाई ये बटन दबाएंगे तो आपको हर बारी हम नोटिफाई कर देंगे पीपल फार्म जब लाइव जाएगा, आप प्लीज वो दबा दीजिएगा। सॉरी मैं पीछे चलता हूँ, देखते हैं आप, मैं दिखाता हूँ अमित कैसे इसको टिका रहा है। अच्छा बाय द वे ये प्रेग्नेंट भी है, तो अब डॉक्टर सोपती ने कल आना था, वो आज आएंगे फिर हमें पता लगेगा कि प्रेगनेंसी की क्या स्टेज है। अब अनफॉर्चुनेटली इसको अबॉर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हम इसको हॉस्ट पे खड़ा कर रहे हैं, तो वैसे ही वो बच्चा जो है उसके बचने के चांसेस नहीं है। कहीं आप लोग सोच रहे हो कि हम दूध निकाल रहे हैं, दूध नहीं निकाल रहे हैं, उसके पैर वो कर रहे हैं, टिका रहे हैं। आप देख रहे हैं इसके खुर कितने बड़े हुए हैं, ये इसलिए बड़े हुए हैं क्योंकि ये बंदी रहती है ना गाय। अच्छा एक काम और करिएगा प्लीज, मेरी अगर आप हेल्प करना चाहते हैं, आप लोग इतना हेल्प करना चाहते हैं, आप हम आपसे डोनेशन नहीं मांगते, कुछ नहीं कह रहे। जो हमने कल इसके बारे में वीडियो डाला है आप उसका लिंक लेके व्हाट्सएप पे भेजिए, जितना भी आप भेज सकते हैं, लोगों को इस मुद्दे के बारे में पता तो लगे। पता है हम दूध पीने के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं है, हम सिर्फ ये कहते हैं कि जो प्रताड़ना है हम उसके अगेंस्ट हैं। तो कोई है भाई सर्वगुण संपन्न डेयरी ऐसी, ये क्या चरणामृत बट रहा है? अच्छा तेल। तो है कोई सर्वगुण संपन्न डेयरी ऐसी जहाँ पे गाय की पूरी सेवा होती है अंत तक, बछड़ों को मारा नहीं जाता, दूध दिया जाता है, तो वहां से दूध लीजिए। पर ऐसी डेयरी ढूंढिए तो सही। और इससे पहले आप कहें कि कृष्ण जी भी खाते थे दूध मक्खन, तो आप कृष्ण जी बनिए तो सही उनके पास। अरे ये कितना अच्छा सीन है, इसका तो वीडियो लिया है किसी ने पहले? ओलो हम इसका वीडियो लेंगे इसका, अभी तो मैं तो लाइव पे हूँ मैं वीडियो नहीं ले सकता। अच्छा अब जब ये हो रहा है तो कोई प्रश्न है तो मैं बताऊंगा। बिल्कुल आई थिंक कि देखिए मैं कभी नहीं कहता कि मैं बहुत प्राउड हूँ हमने जो किया, पर हाँ मैं बहुत ज़्यादा ये है वर्क हैज़र्ड। अब ये पीछे मसाज हो रही थी तो खैर राधा का कहना है फाइनली चरणामृत आ गया है, शर्म कर लो थोड़ी तो। ऐसे थोड़ा पी लेते हैं, और नहीं यार उसको प्रोसेस करके पीते हैं। कौन पीता है, कैसी होते? ओहो अच्छा ये बातें मत करो। जब बच्चा होता है ना, सुने राधा के पास कुछ कहने को है। हमारे यहाँ जब बच्चा होता है ना, जब 21 दिन का हो जाता है तो पूरे परिवार को हम यही देते हैं। राधा ने क्या करके किया था? किसका बच्चा होता है जब? मेरा बच्चा होगा। अच्छा हाँ तो गौमूत्र हाँ। तो पकड़ते के मतलब कि क्योंकि खड़ा होता है गिलास लेके जो इसका बल्ब है ना हाँ उसकी मसाज करते हैं ना और वो खुद यूरिनेशन हो जाती है और फिर सबको लेते हैं थोड़ा थोड़ा। नहीं सर ये शुद्धिकरण होता है हमारे जितने होता है उसमें यूज होगा ये। मैं ये पहली बार सुन रहा हूँ, मेरे लिए थोड़ा सा ये अलग है क्या? अच्छा ये साहिल जो है ये नीचे भूसा बिछा रहा है ताकि ट्रैक्शन मिले, ताकि इसके खून में फिसले ना। अरे इसके घुटने पे चोट लग गई है, हैं? ये इसको ना हम देसी भाषा में कहते हैं लागे लग गए हैं, जिसे बेड सोर्स भी आप कह सकते हैं, क्योंकि अब ये बैठी रहती है और यहीं पे यूरिनेट करती है, यहीं पे काउडंग आता है तो वो गीला होके ऐसा हो जाता है। देखिए ये और भी, ये आई अमूल। अमूल बहुत इंटरेस्टेड है कि भाई तुम्हारे साथ तो तुम्हारे को तो मसाज दी जा रही है, हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा।
वैसे तो हम इतने जन्म के यहाँ पे तुम्हारे रूम के साथ फ्री है। देवांशु जी मसाज हो रही है क्योंकि अब इसकी सर्कुलेशन बिल्कुल जीरो है ना, क्योंकि बैठी रहती है, इशू है तो मसल एट्रोफी हो जाती है। बेसिकली मसल्स में ब्लड नहीं जाता, जैसे पैर नहीं सो जाता हमारा, कई बार हम अपने पैर के ऊपर बैठ जाएं तो। ओके ये अपनी तरफ से अमित को थैंक्स कह रही है। तो इसलिए मसाज की जा रही है ताकि सर्कुलेशन बढ़े। देखिए सब इंटरेस्टेड है कि हो क्या रहा है। बेटी जी बहुत इंटरेस्टेड है, बेटी जी तो वैसे ही वो है हर चूरण में अमलतास। सुषमा आंटी थैंक यू, सुषमा आंटी मेरी मदर इन लॉ है, वो भी हमारा देख रही है। ओके अब हम वापस बाकियों से हो गया तो हाथ शुद्धिकरण। मारुति वो है जो तीन भाई लाए थे, मारुति को तीन भाई लाए थे, इसकी रिकवरी ठीक चल रही है, तो इसकी भी रिकवरी ठीक चल रही है, कोई चिंताजनक बात नहीं है। मैं रिकवरी का इसलिए बताता रहता हूँ कि बाई चांस अचानक किसी को कुछ हो गया तो फिर ओए ये तो लोमड़ी यहीं पे है, तो जो रिलीज हुआ था वो कौन था, गीदड़ नहीं, जो रिलीज हुआ था वो नहीं, जिसका वायर केस था वो गीदड़ था ना। ओके ये लोमड़ी है, जो रिलीज हुआ था वो गीदड़ था, हैं ये सारे कुत्ते, नाम इसका लोमड़ी है, और जो एक रिलीज हो गया वायर, जिसके गले में वायर केस था, उसका नाम गीदड़ था। देवदास जिसके लिए आप लोगों ने फंड रेजिंग इतनी जबरदस्त तरीके से हमारी कराई, इसके पैर में हो गया ना प्लस्तर, थैंक यू प्रोडक्ट्स वालों ने, हुप आर्ट बनाए थे हाथ से आप लोगों ने खरीदे और इनकी फंड रेजिंग हो गई। अमूल का तो बता ही दिया, डार्क चॉकलेट बेचारी, बेचारी का भी प्लास्टर है इसके, ये क्या हुआ है, इसको गाड़ी में लग गई थी जाते पानीपुर जाते थे ना। ओके तो ये इसको ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, अब देखिए जो ट्रांसपोर्टेशन होती है हम करते तो केयरफुली हैं पर कई बारी 19-21 चीजें हो जाती हैं। ये चेस है, चेस की पट्टी अभी होनी है शायद आज की, क्या हाँ इसकी पट्टी अभी होनी है। सबसे ज्यादा इस समय जो अटेंशन है वो धरती को ही दी जा रही है। इसका नाम केचप है, इसकी क्या इम्प्रूवमेंट है यार, इसके तो पैर। तो पालमपुर वालों ने इसके लिए जो है हाथ खड़े कर दिए हैं कि भाई कि इसका कुछ भी नहीं हो सकता, इसकी नर्व डैमेज है पिछले पैरों में और इसका वूंड भी हो गया है। तो अब अगर ये डॉग होता तो इसके लिए व्हीलचेयर वगैरह का कुछ हो सकता था, मुझे नहीं पता कि काफ का क्या हो सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि इसके जो दिन हैं वो गिने चुने हैं, क्योंकि एक नहीं तो दूसरी कॉम्प्लिकेशन से ये बचेगा नहीं। व्हाट इसका अभी हमने नाम रखा नहीं, ये म्यूल है ना, जो खच्चर है म्यूल। हे यू आर सेइंग इट्स अ शी म्यूल, इट्स अ म्यूल्स डोंट हैव अ जेंडर, दे डू, दे आर जस्ट स्टेरल। ओह सॉरी मैंने गलत बोला, मैंने उस दिन बोला था कि खच्चरों का जेंडर नहीं होता, मेल फीमेल नहीं होता, ऐसा नहीं है, ये मेल फीमेल होते हैं, जैसे आगे पैदा नहीं कर सकते, लोग ऐसे होते तो मतलब भारत की तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। ये सेबा है, सेबा तुम्हारा कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तुम यहाँ पे खुद ही आ गए हो, बाहर शिफ्ट हो रहे हैं। तो सेबा और ये जो नया म्यूल है आज बाहर शिफ्ट कर देंगे हम इन्हें। बाय द वे है कि सॉरी मैं क्या बोला, हाँ अब सेबा का हो सकता है कि लिगामेंट इंजरी भी हो, टेंडन इंजरी, अगर टेंडन इंजरी है तो ये ठीक हो जाएगा, पर अगर बोन इंजरी है तो नहीं होगा। अभी पालमपुर इसको लेके जाना है, जब इसको पालमपुर हम लेके जाएंगे ना तो मैं आपको दिखाऊंगा, हम एक वो लगाते हैं पूरा जुगाड़ सा, वो भी है ना हमारे पास, घोड़ों के लिए हम पूरा जुगाड़ लगाते हैं ताकि वो इधर उधर बजे ना। ओ ये तो हमारी फ्रेंड है रितु चौधरी धर्मशाला में, बहुत ही हेल्पफुल है, उन्होंने इसको भेजा है छाया को कांगड़ा से। देखिए साहिल जो है, साहिल को सारे नाम याद हैं, साहिल तेरे को लाइव करना आगे से आओ। आपने साहिल की फोटो देखी थी फ्रेंड्स ऑफ पीपल फार्म पे रेड टी शर्ट में, मतलब अच्छा तेरे से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या तू काजल लगाता है,
तो तेरी आंखें सुरमई है ऐसे ही, तू यही कह रहा मेरी आंखें सुरमई है। ठीक है ओके। ये डीजल है इसका, इसकी किसी ने पूंछ काट दी। अब क्यों काटी, क्यों गुस्से में काटी, शराब पी के काटी, कहना मुमकिन नहीं है। ये तो परमानेंट फिक्स्चर ही हो गया है यहाँ पे हनुमान जी। अब ये पता नहीं कब जाएंगे इसको। साहिल बस जब मैं पूछता हूँ, साहिल का एक जवाब है अभी टाइम लगेगा, पर मुझे डर ये है कि इसको सेकेंडरी इन्फेक्शन कोई ना हो जाए। मेरी असिस्टेंट बेटी जी ये रही, असिस्टेंट का तो पता नहीं, ये वो है मेरी पब्लिसिस्ट। क्या कह रही है आप ही शब्द दीजिए जो कह रही है उसको। हाँ भाई ये कौन है? ये कल शाम को आया। अच्छा कल शाम को तो ये लोग लेट गए थे, ये योल से आया है। ये वही है ना उसी एरिया से आया जहाँ पे गाय बैलों को मार रहे हैं, वहां से कौन आया? एक शिवनगर करके एरिया है, वहां पे बड़े केस आ रहे हैं, वहां पे लोग गाय बैलों को काट रहे हैं। मतलब काट रहे हैं का मतलब ये नहीं कि मार रहे हैं, हिमाचल में बीफ वगैरह नहीं है, पर जैसे साइडें काट दी, दरात मार दिया, पैर काट दिया, ये हो रहा है। पहले भी एक बार ये घटना हो चुकी है पिछले साल, अब की बार हो रहा है। हम लोग, हमारी टीम गई थी वहां पे, उन्होंने वीडियो बनाया है पर कोई इंटरव्यू नहीं ले पाए किसी का। अंदर एक अंदर तो मेरा सिग्नल ही बंद हो जाएगा। चलो ये तो डॉली है, आज भौंक नहीं रही, मैं दूर से ही शक्ल दिखा रहा हूँ इसकी। इसके साथ जो इसका नाम डग, ओ डग 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 को तो मैं, एक वो हस्की टाइप बड़ी सुंदर सी आई है ना, टिमसी है वो। ये डग है, डग की इंजरी उस साइड है, डग पहले से बहुत नहीं, कोई निकल सकती है बिना नाराज हुए। जो बड़ी सुंदर सी है, ऐसे लगता है हस्की सी है, नैन्सी। ओके नैन्सी उधर है। ओ मैं आपको इससे तो मिलवाऊं, इसका मैंने इंस्टाग्राम पे अपने साथ बड़ा अच्छा वीडियो डाला है। इसका नाम बेगम है, बेगम बहुत ही क्यूट पपी है। इसके दोनों पैरों को कोई गाड़ी वाला निकल गया था, इसके ऊपर से दो पैर टूटे हुए हैं, पर अब ये चल रही है। ये पहले से बहुत बेहतर है, लेकिन चल रही नहीं है, ये एक्चुअली चल रहा है। हमें बाद में ध्यान आया कि ये तो मेल है, तो इसका नाम हमने रख दिया बेगम, लाइक विदाउट गम, बेगम विदाउट गम। ये है ना, ये नैन्सी। अब ये देखिए, ये बिल्कुल देसी है, कितनी सुंदर है। हाँ भाई नैन्सी तेरे को सुंदर वाली बीमारी लग गई, गोल गोल घूमने वाली, शक्ल तो दिखा दे नैन्सी। इसी को ओके, और क्लियरली नैन्सी सुंदर है पर एटीट्यूड इसका कोई बहुत अच्छा नहीं है। इन लोगों को तो आप जानते ही हैं, ये दोनों अडॉप्टेड है। बाय द वे कल हमारी गाड़ी दिल्ली जा रही है और यहाँ से 5 कुत्ते जा रहे हैं। एक सेकेंड साहिल, वो धरती पैर ऊपर नीचे कर रही है, करेगी ओके। तो अभी आप देखिए, अब धरती में थोड़ा चिंता में आ गया था, धरती ने पैर ऊपर नीचे करने शुरू कर दिए थे, मतलब उसको खुद ही थोड़ा वेट लेना पड़ेगा, वो थोड़ी देर में थक जाती है ना। आपको पता है गाय रोती भी है, गाय के भी आंसू आते हैं। देखिए मुझे नहीं पता आपको दिख रहे हैं नहीं, इसकी आंख के नीचे देखिए, कई बारी पूरे लंबे लंबे इसके टेसुए दिख रहे होते हैं। और ये मॉनसून है, मॉनसून को स्किन कंडीशन है। स्किन कंडीशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोकोनट ऑयल की मसाज करते हैं, और इसका एक फंगल इन्फेक्शन भी था। उसके लिए जो बताएगी क्या कौन सा शैम्पू है। ओए ओ हेलो जो, विच शैम्पू फॉर फंगल इन्फेक्शन। जो क्या कहना है, क्या केटाकोनाजोल, या आप लोग लहसुन भी लगा सकते हैं you know, या तो आप केटाकोनाजोल शैम्पू से कर दें, या आप लहसुन भी इसके मल दें और थोड़े टाइम बाद धो दें, उससे भी फर्क पड़ेगा। ऑल्सो अगर स्किन, इस मौसम में स्किन पे सोर्स हो रहे हैं, स्किन पे रैशेज हो रहे हैं, क्योंकि जो ह्यूमिड सीजन होता है वो बुरा रहता है स्किन के लिए, तो एलो की मसाज करिएगा। अगेन आप लोग जो नए जुड़े हैं हमारे साथ, प्लीज ये ध्यान रखिएगा कि जो नीचे लाइव पे बटन है कि भाई नोटिफाई अस व्हेन पीपल फार्म गोज लाइव, वो जरूर दबाएं। और जो हमने कल वीडियो पोस्ट किया है
आप ही हमें जन्माष्टमी गिफ्ट दीजिए, उस वीडियो को आप शेयर करिए, उसका लिंक व्हाट्सएप पे आप जितना फॉरवर्ड कर सकते हैं करिए, लोगों को पता लगना चाहिए। राधा आप किसका ट्रीटमेंट कर रहे हो? ये टिम्सी है, खैर अब एक सीरियस इशू, थोड़ा सीरियस इशू ये है, मैंने आपको बताया हमारे यहाँ जो लड़की है हमारा स्टाफ का ही पार्ट है, मैं अभी नाम नहीं बताऊंगा, वो घर पे रोज पिट रही थी, बड़े टाइम से पिट रही थी। उसने फाइनली डिसीजन लिया कि जी मैं अब नहीं और पिटना चाहती, मुझे मार ही दिया जाएगा। प्रेम विवाह था वैसे तो, पर दहेज की फिर भी मांग हो रही थी। दहेज की मांग तो वैसे ही सरासर गलत है, पर अगर भाई तुम प्रेम विवाह करते हो फिर भी दहेज मांगते हो, ये तो मतलब लानत वाली बात हो गई बहुत ही ज़्यादा। तो खैर अब वो यहाँ रुक गई है, कल आई हो तो अब आज वो उसके परिवारजन लड़ने आए थे, माता पिता तो उसके उसको नहीं रखना चाहते क्योंकि भाई फिर उनके बेटे की शादी में प्रॉब्लम आएगी, भाई लड़की घर आके बैठी है, कितनी बदनामी वाली बात है। मेरे को तो खैर ये लॉजिक नहीं समझ में आता। एनीवे तो उसके परिवारजन लड़ने आए थे, अब वो हमारे बारे में उल्टी सीधी कुछ बातें कहेंगे कि भाई विवाहिता लड़की आपके साथ कैसे रह रही है ये और वो, पर जो है सो है, मैंने आपको बता दिया कि ये प्रकरण चल रहा है, ठीक है, क्योंकि हम तो पीछे हटेंगे नहीं कि भाई जाहिर सी बात है अगर कोई पिट रहा है तो हम उसको कैसे पिट लेने दें। खैर एक सेकंड, मैं भी यार एक सेकंड रुकना, उसको तुम लेके जा रहे हो जो, मैं आपको पीछे वाले एरिया में लेके चलता हूँ ये खच्चर के साथ साथ जितना मैं ले जा सकता हूँ। थैंक यू दौलत राम जी, एक काम करोगे वो जो ये जो किचन के साथ वाला कमरा है उस पे जो वाईफाई लगा है सफ़ेद रंग का, देखा है ना, वो इस तरफ को घुमा हुआ है, उसको थोड़ा उल्टा घुमा दो उस साइड को, ठीक है, वहीं पे बिल्कुल उस साइड हो जाएगा ना, मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। चलो अब हम जा रहे हैं पिछले एरिया में जहाँ पे हमारे सारे रेजिडेंट लार्ज एनिमल रहते हैं। आज मेरे को लाइव करने में बड़ा ही अच्छा लग रहा है, हमारे साथ 1800 लोग मैक्सिमम जुड़े हुए थे, इससे में भी 1400 लोग बने हुए हैं, ऑल दो जानवरों से कैमरा हटा के मैंने अपने पे किया था तब 400 लोग हमारे छुट गए। अब मैं क्या करता, चल बाबा तेरे को हरी घास वहां भी मिल जाएगी, चल चल चल। इसका पैर बिल्कुल ना स्टिफ है। Hey, do you mind being on the live? For आपको मैंने सेबेस्टियन के बारे में बताया था, सेबेस्टियन आया था, उसने अपनी बर्थडे मनी हमें सारी डोनेट की थी, आज ये फिर डोनेट कर, आज ये सिर्फ वॉलेंटियर करने आया हुआ है और टक्स की कंगी कर रहा है, तो एनरिचमेंट जो है हम उसके लिए वॉलेंटियर्स पे डिपेंड करते हैं, डॉग वॉक्स, ब्रशिंग। थैंक्स सेबेस्टियन। तो अगर आप लोकल हैं, धर्मशाला में हैं, आप भी 9:30 से 12 के बीच में आ सकते हैं विजिट करने। अगर आप वॉलेंटियर रेगुलरली करते हैं तो आप 9 to 1 वॉलेंटियर कर सकते हैं। वाईफाई पूरा उधर घुमा दिया, देखिए अब जहां तक वाईफाई का साथ है वहां तक मैं आपको दिखाऊंगा, इस खच्चर के माध्यम से आपको हमारा फार्म भी दिख जाएगा। ये हमारा सारा जंगली फार्म है, इस जंगल के पीछे जो स्लेट की छत दिख रही है ना, ये बिल्डिंग जो है इसमें हम रहते हैं, और ये साहिल जी चिड़ियों को दाना डाल रहे हैं, चिड़ियों को नहीं मुर्गियों को, देसी भाषा में तो इस बात का कुछ मतलब भी होता है। ये दोनों वो हैं मटको और लैला। ओके ओके ओके, चलिए अगर वाइफ अगर सिग्नल बिगड़ता है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं 4G पे स्विच करने की कोशिश करूंगा फिर उस समय, है ना। थैंक यू मयंक, आई लव यू टू। और ये जो है, ये जो तीन बंगलोज दिख रहे हैं, ये हमारे वो हैं जहां पे वॉलेंटियर्स आके रहते हैं। ये हमारा फार्म स्टे है, पर हमारा फार्म स्टे कोई ऐसा कमर्शियल वाला नहीं है, हम सिर्फ उन्हीं को ही यहाँ पे ठहराते हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं किसी भी कैपेसिटी में, चाहे वो एज वॉलेंटियर या एज वर्क एक्सचेंज। वर्क एक्सचेंज का मतलब ये रविंदर है बाय द वे,
वर्क एक्सचेंज का मतलब 6 घंटे 6 दिन, और ना वो हमें पैसे देते हैं ना हम उन्हें पैसे देते हैं, बस रहना और खाना। आई नो सेबेस्टियन लड़कियों जैसा दिखता है बिल्कुल, बचपन में मैं भी ऐसा ही दिखता था, मैंने लंबे बाल रखे हुए थे तो मेरे को तो बस में सीट भी दे देते थे लोग तो पूरे फार्म में बस पेंट ही करते रहेंगे, अब वहां पे पहले शुरू जो कहां किया है वहां पे दोबारा जरूरत है मिस्त्री साहब ये हमारी कंस्ट्रक्शन चल रही है, ये देखिए हमने खिड़की रिसेंटली एक्वायर करी, तो जितना हमें पुराना सामान मिल जाता है ये बिंद्रेश और उसका काम चल रहा है दौलत राम का। अब सिग्नल होना शुरू हो गया खराब, मैं 4G पे स्विच करता हूँ। ओके देखिए नेटवर्क आया क्या, सॉरी पता मैंने चला के इसलिए बोला, मुझे लगा आप लोग बहुत दूर हैं हाँ और क्या, इसको छोड़ दो यहाँ ध्रुव लगी है खा लेगा। मंजरी जी, हर्ष जी, सॉरी मंजरी जी आप यहाँ पे आके दोबारा शुरू कर सकते हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया, अब तो नेटवर्क ठीक, जो भी यहाँ आना चाहता है वो यहाँ आ सकता है। तो चार्ली को अंदर क्यों छोड़ा हुआ है, चार्ली भी बाहर चल लेगा, ठीक है चार्ली को तो बाहर कर जाते नेटवर्क दोबारा। अब ये जो है ना हमारा ये पीछे वाला एरिया देखिए यहाँ 4G पे ही चलेगा, यस yes, आ गया नेटवर्क, बिनीता जी ने भी कंफर्म कर दिया। ये जो जमीन है ना ये जो फेंस के इस पार है ये हमारी नहीं है, ये यहाँ पे एक फिन्नू भैया हैं उन्होंने हमें दे रखी है कि चलो आपकी ये जो परमानेंट गाय बैल हैं यहाँ पे चर लेंगे, इनका भी मन लगा रहेगा। ये आया चार्ली, तो चार्ली भी समय बाहर चरेगा, ये संजू जी बंदे हुए। आइए चार्ली, चार्ली को ये खच्चर बड़ी पसंद है, खच्चर फीमेल है चार्ली मेल है, तो जाहिर सी बात है इनकी ज्यादा बन रही है। जो घोड़ा आया है सेवा उसको तो चार्ली घास भी नहीं डाल रहा। हाँ भाई संजू कुछ कहना चाहता है तू, संजू शेक करता रहता है पता नहीं बूढ़ा हो गया शायद इसलिए, खैर नॉट गुड नाउ, गुड नेटवर्क नाउ गुड या नॉट गुड यार। ओके अब 1300 लोग रह गए हैं, मैं पहले ही खत्म कर देता हूं, इससे पहले थोड़ा मैं आपको बताऊं कि मेरी कोशिश थी कि मैं सोशल मीडिया में बिल्कुल नंबर्स वाली गेम पे ना हूं, पर उससे फर्क पड़ता है, मुझे लग रहा है कि हाई अब 1200 लोग रह गए हैं, इससे अच्छा कम होने से पहले मैं पहले ही खुद ही खत्म कर देता हूँ। ये बड़ा एडिक्टिव है यार, मैं काम के लिए कर रहा हूँ एंड स्टिल इट इम्पैक्ट्स मी, तो आप भी सोशल मीडिया काम के लिए ही इस्तेमाल कीजिए, अदरवाइज दिस कैन गेट वेरी एडिक्टिव, और फिर जब आपको सही नंबर नहीं मिलते तो एक दुख सा होना शुरू हो जाता है, एटलीस्ट मेरे साथ तो ऐसा होता है, आई एम ट्राइंग कि ऐसा ना हो। ओके बाय।